हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। हाँ जी किद्दा, आज आए हैं हम गो फूडीज़ के आउटलेट पे। सुना है कि यहाँ के KFC मोमोज और सैंडविचेस बहुत ऑसम हैं, तो सोचा कि आज ट्राई करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ से आने का रास्ता है गुड़गांव टू बसई, बसई से आप धनकोट की तरफ आएंगे, धनकोट चौक से 200 मीटर आगे चल के लेफ्ट साइड में ये गो फूडीज़ का आउटलेट आता है। तो यहाँ पे नंबर है गो फूडीज़ के जो ऑनर हैं उनका, चलते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, ऑर्डर करेंगे, टेस्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि टेस्ट कैसा है यहाँ के खाने का और आप लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये पूरा मेन्यू है, आप लोग एक बार देख सकते हैं इस मेन्यू को, रेट लिस्ट पूरी है। ये इनके कॉम्बो ऑफर्स हैं और ये गो फूडीज़ का स्पेशल है, मॉकटेल वगैरह, और यहाँ पे 20% ऑफ स्नैक्स पे हैं। ये राइस हैं, रोल्स हैं और मोमोज हैं। एक तो अपने ये तंदूरी सैंडविच, एक तंदूरी चाप रोल, KFC मोमोज, एक आपकी स्पेशल मॉकटेल जो है, और एक चॉकलेट शेक। ये हमारा चॉकलेट शेक है जिसके अंदर दूध, चॉकलेट आइसक्रीम और चॉकलेट सिरप, ये सब डाल के बनाया गया है और उसको टेस्ट करके बताएंगे कि टेस्ट कैसा है इसका। यह है हमारी आज पार्टी का मेन्यू। गो फूडीज़ पे भीड़ काफ़ी थी, शाम होते ही वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने सब कुछ पैक करा लिया और घर पे लाके अब इसको टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा है, क्या वर्दी था या नहीं। तो एक एक चीज़ टेस्ट करते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। टेस्ट करते हैं KFC मोमोज, साइज देखिए मोमोज का, ये इतना बड़ा साइज, ये मोमोज है या चाप का पीस है या वगैरह फिश फ्राई करके मिली है, ये मोमोज है। इसे टेस्ट करते हैं, देखिए थोड़ी आते हैं, ये पूरी पनीर की फिलिंग है इसके अंदर, जब उसे टेस्ट करते हैं। इसके साथ ये मोमोज की जो चटनी है, क्रिस्पी है, पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा है, अच्छे से फ्राई किए गए हैं, जो चटनी है इतनी ऑसम है, मोमोज का जो स्वाद है वो चटनी से ही आता है। उन्होंने कहा था ये उनकी स्पेशलिटी है, जो एक बार खाता है वो जरूर खाता है, सही में स्पेशलिटी है, ऐसी चीज़ गुड़गांव में मैंने आज तक नहीं खाई। और ये खाने के बाद मैं ज़रूर वापस जाऊंगा यहाँ पे, इसके लिए तो ज़रूर जाऊंगा। तो मेरी तरफ से इस KFC मोमोज को 10 out of 10, बहुत ऑसम टेस्ट है इसका। नेक्स्ट ट्राई करते हैं तंदूरी सैंडविच। ये तंदूरी सैंडविच जो है इसके अंदर फिलिंग में पनीर है, प्याज वगैरह है, जो मैंने इनका बनने का प्रोसेस देखा था उसमें इन्होंने पनीर, प्याज वगैरह, टमाटर और कैप्सिकम, इन सब को पहले फ्राई किया है, इनको मसाला प्रिपेयर किया, उसके बाद दूसरी चीज़ इन्होंने यूज़ किया ब्रेड, वो ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड के ऊपर इन्होंने जो अपनी सॉसेस थी वो लगाई हैं और फिलिंग फिल करके इसके अंदर तब इसे ग्रिल किया है। तो सबसे अच्छी बात यह कि हेल्दी है, ब्राउन ब्रेड है, और साथ में इसके साथ आती है ये दो डिप्स हैं, एक आपका ये जो है मिंट का है और ये तंदूरी है उनकी। इसके साथ टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। पहली बाइट में ही सारे टेस्ट जो है ना इसके, पनीर, उसके अंदर जो सॉसेस थी, ये जो तंदूरी सॉस है इसका टेस्ट, प्याज और जो ग्रिल किया गया है बहुत ऑसम है, बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं है कुछ के गंदा सा टेस्ट फील हो रहा हो या जो ऑयल वगैरह हो, किसी की कोई स्मेल नहीं है, कोई अजीब टेस्ट नहीं है, जितने मसाले रिक्वायर्ड है उतने ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। इसके बाद
एक जो हमने उनकी ली थी स्पेशल मॉकटेल वो ट्राई करते हैं। इसके अंदर वो कह रहा था कि मिंट वगैरह डाली हुई है, तो उसे देखते हैं। मिंट का पूरा टेस्ट है, ऐसा नहीं है कोई मिंट का कोई सॉल्यूशन डाला हो। पुदीना जो है वो प्रॉपर उसका एक एक जो स्मेल है ना उसकी, उसका जो टेस्ट है वो सब आ रहा है हर सिप के साथ। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और अब ट्राई करते हैं इनका जो रोल है, ये रोल है इसका जो बेस है, ये देखेंगे ये मैदे का बेस नहीं है, ये आटे का बेस है। मैंने उनसे स्पेशली पूछा था किस चीज़ का है, तो ये भी हेल्दी है। और इसके अंदर उन्होंने हमने चाप और बनवाया तो इसके अंदर सोया चाप है। इसके साथ डिप है योनिस की और ये जो ग्रीन वाली है, और इसको टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट बताते हैं आपको कैसा। ये सोया चाप आपको ऊपर ऊपर दिखेगी और साथ में ये जो इसके अनियंस हैं और जो क्रीम इसके अंदर लगाई गई हैं, देखने से कितना टेस्टी लग रहा है। स्पाइसेस गिने चुने, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जितना चाहिए उतना, ज़्यादा आप लोग चाहें तो करवा सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत जूसी है। जो चाप भी है वो ऐसी नहीं है कि उसके अंदर सारा जूस निकल गया हो, आप जैसे बाइट लेंगे आपको लगेगा जो इतना सॉफ्ट है इसका बेस, क्योंकि आटे का बेस है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, वैसा बनने से खींचना पड़ रहा है। काफ़ी अच्छा है, इसको डिप के साथ लगा के खाते हैं। तब जितनी भी चीज़ें टेस्ट की हैं सारी की सारी बहुत टेस्टी हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी जो स्पेशलिटी है वो बताइएगा, उन्होंने स्पेशलिटी अपनी बताई थी KFC मोमोज, जो नो डाउट स्पेशलिटी है। जो इनकी सैंडविच थी, ये सैंडविच देख ली, तंदूरी सैंडविच, पनीर फुल लोडेड ग्रिल्ड, बहुत ऑसम। साथ में जो ये रोल है, मतलब अगर मैं इसको छोड़ दूँ साइड कर दूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मैदा है, बाकी दोनों ये जो चीज़ें हैं आइटम्स हैं हेल्दी हैं और टेस्टी हैं। लोग कहते हैं हेल्दी चीज़ें टेस्टी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों के दोनों हेल्दी हैं टेस्टी हैं, और आप लोग एक बार टेस्ट करेंगे तो ज़रूर वापस करेंगे। और अब लास्ट हम ट्राई करते हैं जो मैंने इनसे चॉकलेट शेक बनवाया था। थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब सी लग रही है, बट टेस्ट करके बताते हैं कैसा होगा। दूध चॉकलेट आइसक्रीम जो मैंने आपको पहले बताया था, दूध और चॉकलेट आइसक्रीम साथ में चॉकलेट सिरप, तीनों चीज़ों से बनाया। मैंने उनको बोला था बर्फ़ नहीं डालेंगे, तो उन्होंने सिर्फ एक ही क्यूब डाला है बर्फ़ का और ज़्यादा कुछ नहीं डाला। बहुत ऑसम टेस्ट है इस शेक का भी। तो मेरी तरफ से ये जितने भी आइटम्स हैं सारे के सारे बहुत ऑसम हैं, बहुत अच्छा खाना है। आप लोग ज़रूर एक बार जाइएगा यहाँ पे वो फूडीज पे, मैं इनका लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आपको खाने में कभी भी कोई कमी नहीं मिलेगी, बहुत अच्छा मिलेगा। पर ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने प्रॉपर यहाँ पे पेमेंट की है, मैं आप लोगों को स्लिप भी दिखाता हूँ, मेरे पास पेमेंट स्लिप है, ये रही पेमेंट स्लिप जो मैंने 420 रुपीज़ यहाँ पे किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को ये बोलने के लिए कहा गया है तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। खाना सच में अच्छा है इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं करता। साथ में हेल्दी है जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाकी आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, किसी और जगह जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय एंड जय हिंद।